किसानों की सहूलत लिए सरकार वालों कई स्कीम बनाई जाती हैं, जिन्हों का इको एक उद्देश साडे देश के किसानों की आमदन च वाधा करके उन्होंने जीवन पद्धर उपर चुकना है। सरकार वालों समय समय से किसानों इन्होंने स्कीम का वो तो वह लाहा लैन की अपील की जाती है, पर देश के किन्ने ही किसान ज्यादातर स्कीम तो अंजाम होंगे, तो इस करके इन स्कीम तो वांझे रह जाते हैं। अज असी इस वीडियो राही तुहाडे नाल केंद्र दीआं कुछ प्रमुख स्कीमां दी जानकारी सांझी करांगे, तां जो किसान इन्हां तों जाणू हो सकन ते इन्हां दा वध तों वध लाहा लै के सफल हो सकन। सब तों पहली स्कीम है पराली दे सुचज्जे प्रबंधन लई CRM स्कीम। इस स्कीम च किसानां नूं झोने दी पराली नूं अग ना लगाउण लई विभाग वल्लों किसान सैल्फ हैल्प ग्रुप, इकल्ले किसान, ग्राम पंचायतां ते कोऑपरेटिव सोसाइटियां नूं खेती संदां ते सबसिडी दित्ती जांदी है। इस तो इलावा पराली के सुचजे प्रबंधन लई खेती मशीनरी की जानकारी देने संबंधी जिला पद्धर ते पिंड पद्धर ते जागरूकता मुहिम, किसान सिखलाई कैंप, नुक्कड़ मीटिंगा ते प्रदर्शनियां लगवाईयां जांदियां। इस च किसानां नूं 50%, पंचायतां नूं 80% ते कोऑपरेटिव सोसाइटियां नूं 80% सबसिडी दित्ती जांदी। इस स्कीम अधीन सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल ड्रिल, RMB प्लॉ, बेलर ते रेक, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, रोटली स्लाइडर ते होर मशीनरी ते सबसिडी दित्ती जांदी। इस स्कीम दे लई किसान ऑनलाइन agrimachinery.pb.gov.in पोर्टल ते अप्लाई कर सकदे। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना अधीन नवे मच्छी तालाब की उसारी लई मच्छी दे ढो ढोई दे साधन, मच्छी फीड मिल लगाउण आदि लई सबसिडी प्रदान कीती जांदी। इस स्कीम तहत जनरल वर्ग लई 40% ते SC ST वर्ग जां औरतां वास्ते 60% सबसिडी उपलब्ध। इस स्कीम दे लई 18 साल तो उपर कोई भी व्यक्ति, पुरुष जां औरत अप्लाई कर सकदा है। मच्छी काश्तकार सबसिडी लैण लई बिने पत्र संबंधित मच्छी पालन अफसर नूं जमा करवा सकदे। इस तों बाद आउंदी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिस दा उद्देश है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। बागबानी गैर बागबानी फसलां च तुक्का सिंचाई दे प्रोजेक्टां दी सिंचाई लई 80% योगदान दित्ता जांदा है। इस दे लई छोटे किसान, 5 एकड़ तों घट वाले किसान बीबियां ते SC किसानां लई 90% योगदान दित्ता जांदा है। इस सबसिडी दे लई अप्लाई करन दे लई किसानां कोल जमीन दी मालकी होना जरूरी है। इस योजना दा मुख विशा पानी दी बेकदरी नूं घटाउंदे होए समें ते फसलां तक सही ढंग नाल पानी नूं पहुंचाना। सबसिडी दी राशि केंद्र ते सूबा सरकारां वल्लों सांझे तौर ते दित्ती जांदी है। इस दौरान किसानां नूं किसी समस्या दा सामना ना करना पवे, इस करके सरकार सबसिडी दी राशि सीधे तौर ते किसानां दे बैंक खात्यां च भेजदी है। अगली है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस योजना च कई तरह दीआं स्कीमां उपलब्ध हन, जिवें कि फलदार बूटियां ते सबसिडी, हाइब्रिड बीजां ते फुलां दी खेती ते होर भी बहुत कुछ। इन्हां चों असीं गल करदे हां फलदार बूटियां ते सबसिडी दी। इस स्कीम तहत किसानां नूं फलदार बूटियां दे नवें बाग ते सबसिडी दित्ती जांदी है। सबसिडी लैण लई घट तों घट 1 एकड़ 1 किस्म दे बाग लई ते वध तों वध 10 एकड़ बाग होवे, जिस ते प्रति लाभपात्री 50% सबसिडी दित्ती जांदी है। इस दे लई अप्लाई करन लई लाभपात्री कोल जमीन दी मालकी होना लाजमी। इह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा 29 मई 2007 नूं शुरू कीती गई सी। इस दा उद्देश खेती मौसम, कुदरती स्रोतां ते टेक्नोलॉजी नूं ध्यान च रखदे होए खेतीबाड़ी दा विकास करना है। अखीर च आउंदी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना बारे तां ज्यादातर किसानां नूं पता ही होवेगा, पर जिस नूं नहीं पता उसदे लई इस योजना बारे जानना बहुत जरूरी है। इस स्कीम तहत किसानां नूं हर साल 6,000 रुपए 3 किश्तां च मिलदे। इह पैसा सीधा लाभपात्रियां दे खाते च DBT राही पहुंचदा है ते SMS राही पैसे दी जानकारी भी उपलब्ध होंदी। इस स्कीम दा लाभ एक परिवार दा एक मेंबर ही ले सकदा है। इसलिए किसान नूं ऑनलाइन पोर्टल ते अप्लाई करके लोड़ींदे दस्तावेज जमा करवाने होंगे। जिन्हां किसानां ने अजे तक इन्हां दसियां गईयां स्कीमां दा लाभ नहीं चुक्या है, वो जल्दी तो जल्दी अपनी योग्यता अनुसार इन्हां स्कीमां लई अप्लाई कर। अजिहियां होर वीडियोज लई कृषि जागरण पंजाबी नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नूं क्लिक करो।